मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण, दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। कभी सोचा है, लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है।